नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर रामदास अठावले की पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई चुनाव लड़ेगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है और रामदास अठावले की तरफ से 8 से 10 सीटों की बात कही गई है, यानी कि आरपीआई उत्तर प्रदेश विधानसभा में 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी उतारा जाएगा। रामदास अठावले आज लखनऊ में हैं, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। और 8 से 10 सीटों का दावा आरपीआई की तरफ से किया गया है और आरपीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ साथ उसमें मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि जो ब्राह्मण सम्मेलन लेने की कोशिश मायावती की हो रही है, लेकिन उनको जो करना है वो करने दो सम्मेलन, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करने का ब्राह्मणों का है मन, तो उनके मन में बीजेपी को सपोर्ट करने की भावना है। सम्मेलन हर एक को करने का अधिकार है। सपा भी मतलब ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है, सभी अलग अलग जाति को जोड़ने की कोशिश भी मतलब प्रियंका गांधी जी का कर रही है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक पार्टी को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने का अधिकार है, नहीं मुझे लगता है। और अब बात करते हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट की, जो अब से थोड़ी देर के बाद घोषित किया जाएगा। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिजल्ट अब से थोड़ी देर के बाद, यानी कि 3:30 बजे नतीजे घोषित होंगे। upmpsc.edu.in पर छात्र नतीजे देख सकते हैं। इसके अलावा upresults.nic.in पर भी रिजल्ट देखे जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं के नतीजे अब से थोड़ी देर के बाद घोषित किए जाएंगे। और इस बार के रिजल्ट की बात करें तो इस बार का रिजल्ट बगैर परीक्षा के आ रहा है। परीक्षा इस बार कोरोना के कारण रद्द कर दिए गए थे। पुरानी कक्षाओं का रिजल्ट इस बार के रिजल्ट का आधार बनेगा। 9th 10th प्री बोर्ड के अंकों को 50-50% आधार पर तैयार किया गया। कक्षा 9 के अंकों का 50% महत्व दिया गया। 10वीं की छमाही परीक्षा के आंकड़ों को इसमें नहीं जोड़ा गया है। यूपी बोर्ड में छमाही परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम की अनिवार्यता होती नहीं है। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के लिए हाई स्कूल के अंक को 50% माना है। 11वीं की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को 40% महत्वता दी गई है। 12वीं के प्री बोर्ड रिजल्ट के 10% अंक को जोड़कर यह रिजल्ट तैयार हुआ है। 56,03,813 छात्रों के भविष्य का फैसला होना है। इसमें 12वीं के 29,94,312 छात्र हैं, जबकि 26,09,501 छात्र 10वीं के हैं। वहीं आज दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आर्थिक मदद की गई। सीएम योगी ने 10 लाख रुपए का चेक इनके परिजनों को भेंट किया है। दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी ने इस दौरान दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी। कोरोना के काल में पत्रकारों ने जिस तरीके से काम किया, उसका उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि निडरता के साथ पत्रकारों ने कोरोना काल में काम किया। कोरोना काल में मीडिया का रोल बड़ा है। मीडिया कर्मियों ने कोरोना के काल में जागरूकता फैलाई। मीडिया कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल ड्राइव भी चलाई गई। 16 महीने से कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो अभी भी जारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना के आगे पस्त हो गई। हर तबका इस वैश्विक महामारी से प्रभावित हुआ है। प्रदेश सरकार की तरफ से दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 15-16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है।
और इसमें कोई एक क्षेत्र या कोई एक प्रदेश या कोई एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हुई हैं, और उसमें हर तबका इससे प्रभावित हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग तबके के पास अपने अपने लिए सुरक्षा कवच भी है, लेकिन मीडिया से जुड़ा हुआ तबका अगर वह फ्रीक्वेंट आवागमन नहीं करेगा तो समाचारों का कलेक्शन उस रूप में नहीं कर पाएगा। वहीं जेवर एयरपोर्ट के लिए आज जमीन ट्रांसफर की कर दी गई। ज्यूरिख कंपनी जो एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है उसको आज जमीन ट्रांसफर किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में आज का दिन काफी बड़ा दिन है। एयरपोर्ट से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार के अवसर इस पूरे क्षेत्र में बनेंगे। हेक्टेयर लैंड राज्य सरकार आपसी सहमति के आधार पर अधिग्रहण करने में सफल हुई है और आज एक एक करके सभी प्रक्रियाओं को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद हम पूरा करते हुए लाइसेंस मेमोरेंडम जो राज्य सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड तथा विकासकर्ता ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की एसपीबी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है। हम सब जानते हैं कि एविएशन का सेक्टर अत्यंत संभावनाओं वाला है, विकास के नए आयाम प्रस्तुत करने वाला है और आर्थिक विकास की उन सभी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है जहां पर देश के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, यह व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि का द्योतक भी है। भारत सरकार ने समय समय पर प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग किया है, चाहे वह साइट क्लीयरेंस में या इन प्रिंसिपल अप्रूवल, और रक्षा मंत्रालय से भी समय से एनओसी उपलब्ध करवाने में। ये सभी कार्रवाई 2017-2018 के बीच में ही संपन्न हो चुकी हैं। नवंबर 2017 को गृह मंत्रालय से इमिग्रेशन सर्विसेज हेतु भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास की परियोजना हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से हमें मार्च 2020 को पर्यावरण क्लीयरेंस भी प्राप्त हुआ। बाराबंकी से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। श्रावस्ती जिले के भिनगा थाना क्षेत्र में एक भाई ने संपत्ति के लालच में अपनी बहन को नदी में फेंक दिया। युवती को नदी में बहता देख टिकैत नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्रामीणों ने युवती को नदी से बाहर निकाला। सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवती को थाने लेकर गई। फिलहाल युवती के बयान के आधार पर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मेरे भाई दवा कराने के बाद लखनऊ हॉस्पिटल में लेकर आए थे और वहां से लाकर घाघरा नदी में खेल दिए थे। कहने लगे टायर पंचर हो गया है, नीचे उतर कर हवा खा लो थोड़ा। तो हम लोग किसने बचाया? बचाया मुझे उधर के गांव वाले थे। मेरे भाई दवा कराने के हरदोई कलेक्टर परिसर में जिलाधिकारी की नाक के नीचे नगर पालिका की लापरवाही से भीषण जल भराव और गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। जरा सी बरसात होने पर कलेक्टर परिसर में स्थित दुकानों में पानी भर जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि दुकानों के पीछे बना नाला कई दशकों से साफ नहीं हुआ है और जल निकासी नहीं होने कारण भीषण गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है।
और जब इसकी शिकायत IGRS के माध्यम से की जाती है तो नगर पालिका के जिम्मेदार फर्जी आंकड़ा दिया जाता है और फर्जी बात बताई जाती है कि नाला पूरी तरीके से साफ हो रहा है। ये पड़ी हुई है और जल भराव में निकासी का कोई साधन ही नहीं है जो कि पानी का बहाव कहीं जाए, और सब दुकानदार दुकानों में काफी तक पानी भर जाता है अंदर में, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। और जबकि वाइपर से हम लोगों ने पाइप पानी से दिन भर पानी हटाया करते हैं और काम धंधा कर नहीं पाते हैं। तो कब से सफाई नहीं हुई ना, लेकिन सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए, यहाँ तो झाड़ू तक तो लगती नहीं है, आप सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए। प्रशासन अंधा है यहाँ पर, कोई काम करने का कोई वो नहीं है, हर आदमी परेशान है यहाँ पर है? जो कि दुकानदार जो लोग दिए बैठे हैं रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी तक नहीं कमा पा रहे हैं यहाँ। नाले तो खूब बने हैं मगर सफाई जो है नहीं होती है। ये आगे चार दुकानें, इनके पीछे का नाला 13 साल से नहीं साफ हुआ। रोड क्रॉस नाला है, कम से कम 30 वर्षों से सफाई हुई नहीं कतई, इस वजह सब दुकान पानी जरा भी बरसता है तो सब जो है दुकानों के अंदर भर जाता है। और फिर कोई न यहाँ काम कराने आता है तो हम लोगों को तो परेशानी होती है। जब पानी कम जब तक नहीं हो सकता तब तक हम लोग बंद करके भी नहीं भाग सकते हैं। जो अचानक वर्षा होती जैसे कल जैसे हुई अचानक वर्षा, इसके लिए एप्लीकेशन दी का नाम थी पहले जून में जो है, तो 30 जून को उसमें रिपोर्ट लगा दी जाए का नाम जो है कार्य जो है हो गया, गैंग लगा दिया है, सफाई कार्य जो है प्रगति पे है। और जब तक यहाँ तक कोई झांकने ही नहीं आया जाए तो ये नाले तो। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं अगर बात करें ग्रेटर नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो बारिश हो रही है उससे लगातार स्थिति खराब हो रही है। यूपी में बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है, बारिश की वजह से कई जिलों में हालात खराब हो रहे, जल भराव के कारण कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और लोग अपने अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद, जालौन, रायबरेली, उन्नाव, बिजनौर और हरदोई की, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जलस्तर बढ़ने और नहर में कटाव के कारण शहर की गलियों और घरों में पानी भरने लगा है। बढ़ते जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदीपुर गाँव की है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, सड़क पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुके हैं। रायबरेली में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव टापू बन गए हैं। सरेनी विकासखंड का रालपुर गांव गंगा के किनारे बसा है, गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के घरों से लेकर खेत तक में पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ग्रामीण अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान ने गांव का मुआयना किया, लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकारी मदद के नाम पर ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला है, जिससे ग्रामीणों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। और उन्नाव में गंगा के उफान ने PWD की पोल खोल दी है। गंगा के बहाव के कारण बांध बह गया, जिससे कई गांव में का शहरों से संपर्क टूट गया है। बरकोता ब्रिज बनाने के लिए बांध बनवाया गया था, इसी बांध से हजारों ग्रामीण गुजरते हैं। आरोप है कि 7 महीने से धीमी गति से ब्रिज का निर्माण हो रहा था। मामला सुकंदरपुर सिरोसी ब्लॉक का है। तुनाव में लगातार बारिश के कारण गंगा उफान पर है, कई जगहों पर कटाव के कारण रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और यहाँ पर तेज बहाव के कारण एक बांध बह गया। इस वक्त स्थिति यह है कि कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर पहाड़ों की बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर बारिश का पानी भरा है,
पुलिस प्रशासन ने आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। चांदपुर के दतियाना मेरठ मार्ग की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पानी बह रहा है, सड़क पूरी तरीके से तालाब के तौर पर नजर आ रहे हैं। तो बिजनौर में लगातार बारिश के कारण जिधर भी नजर डालो पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है, आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सड़कें पूरी तरीके से लबालब भरी हुई हैं। सड़कों पर लगातार बारिश होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं और जनजीवन इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। लोगों के खेतों में पानी भरा हुआ, जिससे फसल पूरी तरीके से ख़राब हो गया, फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है ताकि लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह की तरफ मूव ना करें। ये तस्वीर देखिए, पूरी तरीके से गाड़ियों के पहिए डूबे हुए हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा विपक्ष बीजेपी के चरित्र को समझता नहीं है, राजा के बेटे हैं और उन्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए, इसके लिए हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवाते हैं। आशीर्वाद यात्रा को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से व्याकुल नजर आ रहा है। अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, सर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत समाजवादी पार्टी को हो रही है। अखिलेश यादव फिर खड़ा कर रहे हैं सवाल, कह रहे हैं कि जब आपके पास कुछ नहीं बचा तब जन आशीर्वाद से जनता का आशीर्वाद मांगे। देखिए अखिलेश जी, जो वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है उसको समझ नहीं पाएंगे। वो एक परिवार की राजनीतिक दल के उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने कोई राजनीतिक संघर्ष नहीं किया है, सीधे राजा के पुत्र थे, राजा बन गए, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको आशीर्वाद लेने की कभी ज़रूरत किसी से पड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो कार्यकर्ता बेस्ड राजनीतिक दल है, हम काडर बेस्ड पार्टी हैं और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी कारण आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल के रूप में हमारी पहचान है। अब वो चूँकि आशीर्वाद देते हैं तो उनको आशीर्वाद लेना बहुत ख़राब लग रहा है, और लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद लेना चाहिए, वो आशीर्वाद लेने को भी अगर खराब मानते हैं तो मैं उनकी। सर क्या ब्राह्मण इस समय उत्तर प्रदेश में इतना सॉफ्ट टारगेट है कि जो भी पार्टी चाहती है वो अपने कब्जे में करने की कवायद में लग जाती, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस? देखिए कवायद कोई भी करे, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किए वो नकारात्मक प्रयास है। जो बिकरू कांड के एक अपराधी को आदर्श अपना मानता हो, जिसने हत्या ब्राह्मणों की ही की हो, हत्या की शुरुआत संतोष शुक्ला से की और आखिरी हत्या उन्होंने सीओ बिल्होर श्री मिश्रा जी की 90% जो उन्होंने अपराध किए वो ब्राह्मणों के विरुद्ध किए हैं, ऐसे लोग अगर बसपा के आदर्श हैं तो इनका शासन कैसा होगा ये समझ लेना चाहिए। और मैं एक बात इसमें और जोड़ूंगा कि 2007 उत्तर प्रदेश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद जो सरकार आई है पूरे बहुमत से आई है।
आखिरी सवाल ये है कि पीके एक कोशिश कर रहा है प्रशांत किशोर कि कांग्रेस, सपा और जो है ये आम आदमी पार्टी तीनों एक साथ जाकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करें। देखिए तीन पार्टी नहीं, आपको याद होगा 2019 में ममता बनर्जी जी ने सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पर इकट्ठा किया था, अपने हाथ से रोटी भी बिचारी ने खिलाई थी, लेकिन उसके बाद भी 2019 में हम और ज़्यादा सीटें लेके आए हैं। ये जितना ज़्यादा हताश होंगे, निराश होंगे, जितनी ज़्यादा इस तरह की क्रिया करेंगे उसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया होगी। हम 350 सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे अजय मिश्रा टेनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर के हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।